हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन फ्रेंड्स। सभी ना मॉर्निंग फिर से हो चुका है और मैं रेडी हो गई हूँ। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल बढ़िया है। जब भी हम एडिटिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ पार्ट तो रह जाता है, आई मीन टू से मिस्ड हो जाता है। तो और यहाँ देखिए, सुबह सुबह ये भी खाना खा रहे सिर्फ ये नहीं खा रहे, हमको भी अभी खाना खाना है। खाना खा के मैं जाती हूँ, सो लेट मी हैव माई ब्रेकफास्ट नाउ। और ब्रेकफास्ट पे मैं क्या खा के जाती हूँ आप सबको तो पता ही है। मुझे ना जल्दी खा के जाना पड़ेगा, सो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मैं खा लेती हूँ। टुडे इज वेनसडे और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं शॉप एंड ऑन क्लोज रहेगा। ऊपर है SBI बैंक और नीचे का जितना भी शॉप है ना, देखिए गाइस सब क्लोज्ड है। मैं अभी जा रही हूँ लंच ब्रेक के लिए और यहाँ देखिए तो साइकिल नहीं चला भी रहे है। क्या कर रहे फिर? इतना बारिश दे रहा है ना, इसे मत करो ना, डर लगता है ना। फिर बोलने से बोलता है गाइस, ये अभी ये जो हरकत किया है इसका ऊपर में मैंने कमेंट किया, तो फिर हम लोग बीच में मतलब टॉम एंड जेरी आई वुड लव टू से वो वाला यू नो वो वाला मोमेंट हो जाता है हम दोनों के बीच में। अभी तो मैंने ठीक बात ही तो बोला था ना, और अदर डेज में भी यू नो मैं ठीक बात ही बोलती हूँ इसको, ऐसा ना करे ऐसा करो बोल के ना बहुत सारा गाइड देना पड़ता है कि नहीं। ये देखिए गाइस कैसा इतना गंदा से बारिश दे रहा है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आधा पोर्शन तो मैं पूरा भीग गया, ऐसा भाग के गया है ना, बार बार फोन कर रहे, फोन रिसीव नहीं कर रहे, इतना यू नो बार बार हम फोन कर रहा था कि हम बाहर में है बोल के, बट फोन ही रिसीव नहीं कर रहे, काट रहे काट रहे। व्हाट वी आर यू डूइंग बाय द वे? बहुत दूर था, तो 1 किलोमीटर दूर में गाड़ी रखा था, बात करते हैं, 2 स्टेप करके नहीं आ सकते? अरे बारिश दे रहा है ना, 2 स्टेप तो बारिश में तो बहुत ज्यादा हो जाता है कि नहीं फ्रेंड्स। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, घर भी पहुंच गए हूँ। अभी टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 5:30 PM और फिलहाल तो फिर से भूख लग रहा है, भूख कर है हम गाइस। छोटा छोटा स्नैक्स है ना खाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो वेल, तो गाइस अभी मैं खाने वाली हूँ चिकन कटलेट्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए इसका यू नो रेसिपी एंड ऑल ऑलरेडी मैंने यू नो शॉर्ट्स अपलोड कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, तो अभी इसको ट्राई करेंगे। और यहाँ पे है चटनी, स्पाइसी वाला यू नो ग्रीन चिल्ली चटनी। सो या नाउ लेट मी हैव, तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ना मैंने चटनी भी इसमें फिल किया है, तो लेट मी हैव ए बाइट। ओ माय गॉड, ये देखिए गाइस, ये पूरा चिकन है। सबसे पहले तो चिकन को ग्राइंड किया है, आप लोग यू नो शॉर्ट्स डाल गया उस पर, आप लोग जाके देखिए फ्रेंड्स, वेरी स्पाइसी टू ईट। बढ़िया, बहुत टेस्ट है ये चिकन का ना, चिकन बहुत अच्छा से कुक हो चुका है आप लोग देख सकते हो। बहुत अच्छा, वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस, वेरी यम फ्रेंड्स, आप लोग भी घर में जरूर ट्राई कीजिए। 2 hours later यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दिया है, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मटन, हल्दी और उसके बाद गरम मसाला। आज अपना स्टाइल से बना के खाएगा फ्रेंड्स।
मटन करी खाना भी हो गया, मिर्ची पाउडर अभी पेस्ट हो गया है रेडी, तो लेट मी ऐड मटन मीट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अभी पेस्ट एंड ऑल ये पूरा मीट में फिल हो चुका है। तो नाउ लेट मी ऐड सम वाटर, स्पाइसी वाला मटन करी बना के खाएगा आज, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ और यहाँ पे बन रहा है बॉईल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बॉईल के लिए मेजंगा पत्ता और खुशबूदार वाला पत्ता और यहाँ पे है बीन्स। तो अभी इसको बैम्बू और पोटैटो को थोड़ा सॉफ्ट होने देते हैं, आफ्टर दैट आई विल ऐड दिस। अभी लास्ट पे इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बॉल भी रेडी है, ये देखिए गाइस, वेरी हेल्दी टू ईट। स्पाइसी वाला मटन करी बन के रेडी है, अभी मैं प्लेट पे सर्व करूँगी। One hour later. फ्रेंड्स, मैंने ना ये हेयर कर्ली किया था बट पता नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग, समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है यार, इससे बेकार में खर्चा करना पड़ रहा है हमको ना, ऐसे लग रहा है। A few moments later. बहुत रात हो चुका है तो ये ना हमको डिस्टर्ब देते रहते हैं जब भी हम शूट करते हैं ना, इतना अचानक से क्यों आता है, कुछ तो बात करके आना है ना, क्योंकि हम ना अभी ब्लॉग खत्म करेगा सोच रहे हैं बट ये हमको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग बाहर भी देख सकते हैं काफ़ी रात हो चुका है, हम लोग ने डिनर भी कर लिया है, एक्चुअली हम आप लोग को दिखाएगा हमने सोचा था बट अनफॉर्चुनेटली मेरा बैटरी लो हो गया था क्योंकि दिन में चार्ज लगाने भूल गई थी, प्लस आई वॉज वर्किंग आउटसाइड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर चैनल पर नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स, ब्लॉग ख़त्म नहीं करने से पहले एक बात शेयर करना चाहूँगी, आप लोग जहाँ में भी रहेगा हमेशा मेहनत करते रहना फ्रेंड्स, मेहनत करना नहीं छोड़ना है क्योंकि द वर्ल्ड इज़ बीइंग सो कम्पिटिटिव, हमें अपना स्टैंड लेना है, खुद स्ट्रगल करना है, खुद मेहनत करना है, तभी आप लाइफ में सक्सेस होगा। सो यार, मिलते एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़, आई विल सी यू ऑल सून इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।